दोस्तों मैं हूं इस समय क्रोएशिया में और एक ये जगह है मुरा। जैसे हमने देखा होगा जहां पानी की चक्की होती है, आटा भी पिसता है, और अगर मैं पंजाब साइड कहूं उसे घराट बोला जाता है, क्राट। तो यहां भी एक बहुत पुराना एक इस तरह की पानी की चक्की है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना पुराना कल्चर है, ये इतनी पुरानी मशीन है। ये मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, ये देखिए क्या आप देख रहे हैं, ये है यहाँ कोई आटा या और जो दूसरा पीसने वाला सामान है वो यहाँ पर पीसा जाता है, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए। तो ये है 1902 की मशीन है, 1902 में ये स्ट्रक्चर स्थापित किया गया था यहाँ पर, 1902, और आप देखिए ये 2024 चल रहा है। क्या पुराना एक स्ट्रक्चर है, पुराना इतिहास है, और मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए यहाँ से ये आटा निकल रहा है, आप देख रहे होंगे ये आटा किस तरह यहाँ। तो ये आपका स्ट्रक्चर है इतना पुराना 1902 का, और मैं आपको दिखाऊंगा ये पानी की चक्की चल रही है यहाँ पर, ये देखिए ये पानी की चक्की आप देख रहे हैं। तो ये नीचे पानी है, ये पूरी एक नहर है, जिस तरह से एक हमारा छोटा जो डैम है ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा पानी की प्रॉपर चक्की। तो ये पुराना 1902 का ये सिस्टम देखे हैं, ये हंगरी में मशीन बनी थी, क्योंकि यहाँ पर जो ये काम करते हैं ये लोकल लैंग्वेज है क्रोएशियन, जो मुझे भी समझ नहीं आती, तो मैंने जो अपने नोन है उनसे पूछा है, वो इसमें बता रहे थे कि सिमोना है यहाँ की लोकल लेजेंड। सिमोना, कैन यू टेल अस अबाउट दिस, हाउ ओल्ड? दिस इज 1902, इज वेरी ओल्ड। तो सिमोना बता रही थी कि 1902 का है ये, और इट इज़ वेरी ओल्ड। दिस सिटी नेम मुरा? नो, रिवर नेम। रिवर नेम मुरा, रिवर नेम मुरा है, करेक्ट कर लिया, रिवर नेम मुरा, और क्रोएशिया का पार्ट है। सो ये एक बड़ी तरह से लेक है, मैं आपको दिखा दूँ, और वहाँ पे एक ये पानी की चक्की लगी हुई है, देखिए ये आप तस्वीरें देखिए कितनी बड़ी ये पानी की वहाँ पर चक्की है। तो 1902 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, बाद में थोड़ा थोड़ा रेनोवेट होता रहा, कि पुराना स्ट्रक्चर यहाँ पर लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए स्ट्रक्चर रिवर के ऊपर ही इसको बनाया गया है, जिसे हम घराट कहते थे। तो पुरानी चीज़ें, पुराना एक इतिहास कहीं का भी हो, किसी कंट्री का हो, वो बहुत एक अलग रहता है। तो आज वाकई देखने को मिला कि किस तरह, हालांकि इन कंट्रीज़ में पुरानी चीज़ों को बड़ा सहेज कर रखा जाता है, बहुत ही सहेज कर रखा जाता है। ये पूरा एक रिवर है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये पूरी एक बड़ी नदी जिसे कहते हैं मुरा नदी, इसका नाम है। बहुत ही अच्छा सा एक स्ट्रक्चर, पुराना जो होता है वो सजाया गया है यहाँ पर, और ये पानी की चक्की आप देख सकते हैं। 1902 में ये मशीन इस्टेब्लिश की गई थी, बाद में थोड़ा थोड़ा रेनोवेट होती रही, लेकिन अभी भी पुराना स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो कंट्रीज़ में, इन देशों में, यूरोपियन कंट्री में पुरानी चीज़ों को सेव कर रखने का और पुराने कल्चर को बनाए रखने का एक अलग ही रिवाज है, और लोग बड़ा प्राउड करते हैं। दोस्तों मैं हूँ इस समय क्रोएशिया में और एक ये जगह है मुरा। जैसे हमने देखा होगा जहाँ पानी की चक्की होती है, आटा भी पिसता है, और अगर मैं पंजाब साइड कहूँ उसे घराट बोला जाता है, क्राट। तो यहाँ भी एक बहुत पुराना एक इस तरह की पानी की चक्की है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना पुराना कल्चर है, ये इतनी पुरानी मशीन है, ये मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, ये देखिए क्या आप देख रहे हैं, ये है यहाँ कोई आटा या और जो दूसरा पीसने वाला सामान है वो यहाँ पर पीसा जाता है, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ, ये देखिए। तो ये है 1902 की मशीन है, 1902 में ये स्ट्रक्चर स्थापित किया गया था यहाँ पर, 1902, और आप देखिए ये 2024 चल रहा है। क्या पुराना एक स्ट्रक्चर है, पुराना इतिहास है, और मैं आपको दिखाऊं
आप ये देखिए यहाँ से ये आटा निकल रहा है, ये आप देख रहे होंगे ये आटा किस तरह यहाँ। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, इतना पुराना 1902 का। और मैं आपको दिखाऊंगा ये पानी की चक्की चल रही है यहाँ पर, ये देखिए ये पानी की चक्की आप देख रहे हैं। तो ये नीचे पानी है, ये पूरी एक नहर है, जिस तरह से एक हमारा छोटा जो डैम है ये यहाँ पर आप